जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने वेद ज्योति संस्थान में। आचार्य राम अवतार मिश्रा मैं लेकर आया हूँ। मीन राशि मई का माह 2020 का राशिफल, इस माह विशेष क्या परिवर्तन होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें और आगे भेजें। सब लोग का रिक्वेस्ट था, गुरु जी इस माह में, मई के माह में राशिफल कैसे प्रदान हो हमको। लॉकडाउन चल रहा, वीडियो बनाना बड़ा असंभव था, इसलिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने ऑडियो के माध्यम से राशिफल बनाया है। प्लीज़ प्लीज़ आप इसको देखें, आगे शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को मिल सके। व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर, फेसबुक के द्वारा आप आगे भेजें। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और इस समय मई के माह में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और चिड़चिड़ापन, आर्थिक स्थिति और संतान से आप थोड़ा सा नोक झोंक आपके हो सकती है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और धन की बात करें तो धन आपका इस माह अच्छा योग बन रहा है, सूर्य बोधाति योग बना हुआ है और मंगल उच्चस्थ हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप कुटुंब से आपको धन मिलेगा और किसी दोस्तों से आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और पराक्रम में आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि आपके घर वाले हैं उनसे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और राहु चतुर्थ में बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको भूमि भवन से थोड़ा सा ध्यान न रखने की आवश्यकता है, कोई पैसा ना आपका फंस जाए और कोई वाणी से आपका डिसीजन लिया हुआ विफल ना हो जाए। और आपके पंचमेश मंगल होते हैं, उच्च के हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको अंदर से एक उत्तेजना बनेगी कि हम कोई गाड़ी लें या कोई ना कोई काम करें, छोटा छोटा बड़े से बड़ा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। केतु आपके पराक्रम में विराजमान है तो कर्म आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपके साथी, आपके कंपनी में कोई ना कोई जो आपके सीनियर हैं वो आपके पीछे पड़खे हैं, आपका कोई ना कोई खोट निकालेंगे, आपको नीचे डाउन करेंगे। आपको उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका आपको उनका सामना करना है, जीत आपकी होगी। मंगल गुरु शनि आपके आय में विराजमान है, मंगल उच्चस्थ हो गए शनि, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके लिए शनि का एक जो राशि चेंज हुआ है जनवरी 2020 में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, सम रहेगा। दूसरा, मंगल आपका और सूर्य आपके लिए योगकारी होते हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा सकारात्मक फल देंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप का जो गुरु गोचर में नीच का चल रहा है जो कि 30 जून तक रहेगा, इसलिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करना है, ब्राह्मणों और साधुओं का सम्मान करना है, उनका अपमान नहीं करना है, और अपने आप राशि के लिए एक श्रीलंका का बोहरा धारण करें, उसके धारण करने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपके काम में मन लगेगा, आपका लीवर और घुटने या कह सकते हैं छाती में जो दर्द बना रहता है, पेट में दिक्कत रहती, वो ख़त्म हो जाएगी, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, और किसी कंपटीशन में पूजा आप जाते हैं, परीक्षा में, उसमें आपको एक रुमाल लेकर जाना है, लाल जेब में रखें, उससे आपको लाभ होगा और सफलता मिलेगी। दूसरी बात क्या है, ज्योतिष संस्थान में हमारे रतन प्रतिष्ठा और रुद्राक्ष की पूजा पाठ चलता रहता है, आप ना कर सकें तो हमारे संस्थान के माध्यम से आप हमको लिखाएं, हम आपका संकल्प यहाँ करेंगे तो आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि संकल्प भी सिद्धि होती है किसी भी कार्य की, संकल्प के माध्यम से करेंगे पूर्ण लाभ होगा, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। समय का अभाव होता है और परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी। जो भारतवर्ष में ऐसा समय आया है कोरोना वायरस, इससे निपटने के लिए आप सतर्क रहें और अपने घर में रहें, परिवार के साथ रहें, अंदरस्थ टूट होकर ईमानदारी के साथ श्रीमान प्रधानमंत्री जी का आभार प्रदान करें, उनकी बात माने। और जो समय निकल गया है, अप्रैल का बड़ा कठिन रहा, इतिहास के पन्नों में लिख गया, कभी नहीं भूलेंगे, मार्च से लेकर अप्रैल तक का, अब आपको ये ध्यान देना है कि मई का माह कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए लेकर आ रहा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, अपना ध्यान रखें। और किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न चल रहा, संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ज्योतिष माध्यम से मिलाकर कुंडली वगैरह वैसे विवेचन करके बताएंगे कैसे करना है, कैसे व्यापार में आगे बढ़ना है, बिना कुंडली कोई डिसीजन ना लें, कुंडली दिखाएं, उसके बाद ही कोई सफलता आपको मिलेगी। यदि कोई गलत काम करते हैं बिना कुंडली दिखाएं तो आपको हानि हो सकती है। समय का अभाव रखें और